वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम उर्दू को लिखना और पढ़ना सीखेंगे, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों की यही कमेंट आती है कि मैम हमें उर्दू किस तरीके से लिखनी चाहिए और किस तरह से पढ़नी चाहिए। तो इस वीडियो के सहारे से हम उर्दू को लिखना और पढ़ना दोनों ही सीखेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, इस एक वीडियो से आप उर्दू लिखनी और पढ़नी दोनों ही बहुत अच्छे से सीख पाओगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले होता है उर्दू में अलिफ। अब सिर्फ अलिफ को अलिफ पढ़ देने से तो हमें उर्दू नहीं आएगी, तो सबसे पहले हम अलिफ को बनाना सीखेंगे। तो देखो बच्चों, अलिफ हमेशा कहाँ से बनता है? ऐसे ऊपर से नीचे की साइड। कैसे बनेगा? ऊपर से नीचे की साइड। अब कुछ बच्चे इसे ऐसा बना देते हैं, तो ये गलत है। हमेशा अलिफ को ऊपर से नीचे की साइड बनाओगे। समझ में आया? अब बच्चों, अलिफ को दूसरे हरफों के साथ किस तरीके से मिलाकर लिखा जाता है देखो। जैसे कि हम लिखेंगे अलिफ बे अब, समझ में आया? ऐसे ही अलिफ नून इन, है ना। अब ऐसे ही जिम के साथ अगर अलिफ को मिलाओगे तो पहले ऐसे जिम बनाओगे, फिर ऐसे ऊपर चले जाओगे। समझ में आया? अगर चे के साथ आपको अलिफ को मिलाना है तो पहले ऐसा चे बनाओ, फिर ऐसे ऊपर चले जाओ। समझ में आया? यहाँ पर तीन नुक्ते लगा दो। समझ में आई बात? देखो, चे ऐसे बनाया, छोटा सा ऐसे आड़ा ऐसे ऐसे किया, फिर ऐसे हम ऊपर की साइड चले गए और नीचे तीन नुक्ते लगा दिए। तो याद रहेगा सभी बच्चों को अ की अलिफ ऊपर से नीचे की साइड बनता है हमेशा, ना कि नीचे से ऊपर की साइड। इतनी बात समझ में आ गई कि अलिफ को दूसरे हरफों के साथ कैसे जोड़ते हैं, जिम के साथ कैसे जोड़ते हैं? इस तरीके से, पहले हमने जिम बनाया, फिर नीचे से ऊपर चले गए। समझ में आया? ऐसे जिम बना के नीचे से ऊपर की साइड चले गए। अब है बच्चों अलिफ मद आ। तो देखो, पहले तो हमने अलिफ बना दिया, अब हमें सीखना है कि मद को किस तरीके से बनाते हैं। अब अलिफ मद आ के अंदर हमेशा ध्यान रखना किसकी आवाज़ आती है, बड़े वाले आ की आवाज़ आती है। जैसे कि हमारे आम की स्पेलिंग अलिफ मद आ मी आम। अब देखो, अगर हम आग लिखेंगे तो आग में अगर इस वाले अलिफ को लिखेंगे, क्योंकि इसमें कौन सी आवाज़ आती है, छोटे वाले आ की, तो आग की स्पेलिंग हम अगर अलिफ और गाव बना देंगे तो अग हो जाएगा। इसलिए आग के लिए हमेशा बड़े बड़े वाले अलिफ का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि अलिफ मद आ का। तो कैसे लिखोगे? अलिफ मद आ गाव आग। याद रहेगा कि बड़े वाले अलिफ के अंदर बड़े आ की आवाज़ आती है और छोटे वाले अलिफ में छोटे आ की आवाज़ आती है। जैसे कि अनार की स्पेलिंग के लिए हम क्या लिखेंगे? अलिफ नून अलिफ रे अनार। और आम की स्पेलिंग के अंदर क्या लिखेंगे? अलिफ मद आ मी आम। अब बच्चों, मद को कैसे बनाया जाता है? तो देखो, मद बनाने के लिए पहले ऐसा हल्का सा चांद सा बना दो। चांद बनाने के बाद यहाँ पर देखो, मैंने एक नुक्ता लगा दिया आपके हिंट के लिए। इस जगह पर मैंने एक नुक्ता लगाया। अब इस जगह से मैं ऐसे इस नुक्ते के साथ नीचे आ जाऊँगी। समझ में आया? मत कैसे बनाओगे? ऐसे करके पहले चांद सा बनाया, नीचे की साइड यहाँ पर एक नुक्ता सा लगाया, फिर ऐसे करके यूँ नीचे आ जाएंगे। यानी कि ऐसे किया, फिर ऐसे नीचे आ गए। याद रहेगा मत कैसे बनाओगे? पहले ऐसे किया, फिर ऐसे नीचे की साइड आ गए। एक बार और दिखा देती हूँ, क्योंकि मुझे आज आपको बिल्कुल प्रॉपर 100% तरीके से उर्दू सिखानी है। अब देखो बच्चों, दूसरा जो हरूफ होता है वो होता है बे। ठीक, क्या होता है दूसरा हरूफ? बे। अब बे को बनाने का तरीका क्या है? देखो, ऐसे ऐसे नोकीला नहीं बनाना है। कैसे बनाओगे? इस तरीके से ऐसे गोलाई से आते हुए। समझ में आया? ऐसे ऐसे गोलाई से आते हुए बनाओगे, और हमेशा बनाना इधर की साइड से स्टार्ट करोगे। यानी कि उर्दू के ज़्यादातर हरूफ किधर से लिखे जाते हैं? सीधे हाथ की साइड से। याद रखोगे बे कैसे बनेगा? ऐसे किया, ऐसे किया। अब देखो, अगर बच्चों आप सभी उर्दू के हरफों को सही तरीके से लिखना नहीं सीख पाओगे तो आपको उर्दू भी अच्छी तरीके से नहीं आ पाएगी। तो बे को लिखने का तरीका क्या है? देखो, जैसे अलिफ को लिखने का तरीका था ऊपर से नीचे आना था, इसी तरीके से बे को हमेशा सीधे हाथ की साइड से लिखकर उल्टे हाथ की साइड पर आकर ख़त्म करते हैं, और ये दोनों ही साइडों से हल्का सा हम गोल बनाते हैं, ना कि ऐसे नोकीला बनाते हैं।
अब देखो बच्चों, बे को दूसरे हुर्फों के साथ मिलाकर किस तरीके से लिखा जाता है ये भी सिखा देती हूँ। देखो जैसे हम लिखेंगे, बे को अलिफ के साथ मिलाएंगे तो पहले ऐसी छोटी सी बे बनी, बे अलिफ बा, समझ में आया। अब बे को वाव के साथ मिलाओ तो बे ऐसे बे बनी और इसके साथ वाव मिला दो, बे वाव बू। अब ऐसे ही बे को तोए के साथ मिलाओ तो ऐसे ऊपर गए नीचे आए और इसको ऐसे कर दिया तो बेते बुत। अब इसी तरीके से अगर हम बे को चे के साथ मिलाएंगे तो कैसे लिखेंगे, पहले ये बना बे और ये फिर बन गया, एक सेकेंड, पहले ये बना हमारा बे, ये बे बना, फिर इसके साथ ऐसे चे को मिला देंगे। अब इसी तरीके से बे को हम सिन के साथ मिलाएंगे तो बे बनाया, सिन के दो शोशे बनाए और सिन बना दिया, बस हो गया। अब बे को हम काफ के साथ मिलाते हैं तो जैसे कि बुक, बे काफ बुक, समझ में आया। अब ऐसे ही अगर हम बे को रे के साथ मिलाएंगे तो कैसे मिलाएंगे, देखो पहले हमने ऐसे छोटा सा बे बनाया, इस चीज़ को बच्चों बनाना बहुत अच्छे से सीखना। अब लास्ट में हिंट के लिए मैंने यहाँ पर एक डॉट लगा दिया। अब देखो इस जगह से ऐसे होते हुए ऐसे आ जाएंगे, समझ में आया। देखो ऐसे करते हुए ऐसे नीचे आ जाना, समझ में आया। पहले ऐसे किया, हल्का सा पेन को ऊपर उठाओ और नीचे आ जाओ, ये क्या हो गया, बेरे बर। अब अगर हम इसे बड़ लिखते तो कैसे लिखेंगे, ऐसे करके ऐसे बे और इसके साथ मिला देंगे रे, बेड़े बड़। याद रहेगा बच्चों कि बे के साथ अगर कभी भी रे को मिलाना हो तो पहले ऐसे छोटा सा बे, फिर ऐसे ऊपर आते हुए नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर हम बड़े भी बना सकते हैं, जैसे कि हम लिखेंगे, अब जैसे बच्चों बे के साथ अगर दाल मिलाओगे, जैसे बुध की स्पेलिंग, तो बे के साथ हमने मिलाई दाल, बे दाल, और ये बन गया धे, ठीक। ये दाल और दो चश्मी है मिलकर क्या बनता है, धे मिलता है, तो ये हो गया बुध। एक बार और यहाँ पर लिख देती हूँ, बे और ये बन गया दो चश्मी और दाल मिल है मिलकर बुध, है ना। अब ऐसे ही अगर बे के साथ हम किसे मिलाना चाहेंगे, बे के साथ मिलाएंगे अगर हम लाम को, तो ऐसे मिलाएंगे, पहले ऊपर गए फिर ऐसे नीचे आए फिर ऐसे कर दिया, ठीक, बे लाम बल। जैसे पुल की स्पेलिंग, पे लाम पुल, है ना। अब होल की स्पेलिंग, जैसे कि गायन, ऐसे ऊपर गए, ऊपर से नीचे आएंगे फिर लाम को इस तरीके से कर देंगे, हुल हो गया ये, तो मुझे बुल लिखना था, है ना, तो बे के बुल के लिए भी ऐसे ऊपर जाके नीचे आएंगे और इस तरीके से गोल कर देंगे। अब अगला है बच्चों पतंग, तो पतंग भी बे की तरह ही बनेगा, इस तरीके से इसे हमें हल्का सा गोल बनाना है, तीन नुक्ते लगा देंगे, हमेशा इधर की साइड से ही बनाना है। देखो एक बार और बनाती हूँ, ऐसे गोलाई में आते हुए बनाएंगे, ना कि हमें नोकीला बनाना है। इतनी बात समझ में आ गई कि पे, अब पे को सीन के साथ मिलाओ तो पे सीन पिस, सेम वैसे ही है जैसे मैंने अभी यहाँ पर बताया। अब पे को अगर हम रे के साथ मिलाएंगे तो इस तरीके से मिलाएंगे, पे रे पर, है ना। अब पे को अगर हम लाम के साथ मिलाएंगे तो पे लाम पुल, तो देखो पहले मैंने पे बनाया, ऊपर गई फिर ऊपर से नीचे आई, पर इस तरीके से गोल कर दिया, समझ में आ गया पे का इस्तेमाल। अगर पे को वाव के साथ मिलाओगे तो इस तरीके से मिलाओगे। अब बच्चों आता है ते, तो देखो ते भी सेम इसी तरीके से ऐसे गोलाई के अंदर बनेगा और हमेशा इधर की साइड से बनेगा, ना कि इधर की साइड से बनाओगे, समझ में आया। हमेशा ते भी इस तरीके से ही बनता है, सीधे हाथ की तरफ से ते। अब देखो ते को अगर हम अलिफ के साथ मिलाएंगे तो ऐसे लिखेंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे, ते अलिफ ता, है ना। अब अगर हम ते को किसके साथ मिलाएंगे, वाव के साथ, तो ते वाव तो। अगर ते को हम बे के साथ मिलाएंगे तो ते और बे तब, है ना। अगर हम ते को सीन के साथ मिलाएंगे तो देखो पहले ते का एक शोशा फिर सीन के दो शोशे, तो ते सीन तिस, है ना। अब बच्चों ते को अगर हम रे के साथ मिलाएंगे तो पहले ऐसे गोल करेंगे फिर ऐसे नीचे आएंगे, समझ में आया कैसे करेंगे।
देखो पहले ऐसे हल्का सा गोल यहाँ पे एक शोशा लगा दो हिंट के लिए, और ऐसे हल्के से आते हुए इससे मिला दो, यानी कि इस तरीके से। याद रहेगा ये बनाने का तरीका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। देखो ऐसे ते बना के ऐसे ऊपर आते हुए नीचे रे मिला दो। अब है बच्चों टे, टे को भी इसी तरीके से लिखेंगे जैसे कि हमने बे को लिखना सीखा था। ये भी ऐसे ही गोलाई में बनेगी, सीधे हाथ की तरफ से बनेगी। तो टे को अलिफ के साथ मिलाओगे तो कैसे लिखोगे? टे अलिफ टा। टे को अगर वाव के साथ मिलाओगे तो टे वाव टो। टे को अगर सिन से मिलाओगे तो टे सिन टस। ठीक, इतनी बात समझ में आई? अब देखो जैसे टे से क्या होता है टमाटर, तो पहले ऐसे टे के साथ टे बनाया, मीम बनाया, टे मीम अलिफ मा टिमा टेरे टर। तो टे के साथ रे इसी तरीके से बनेगा सेम, टेरे टर टमाटर। याद रखोगे टे मीम अलिफ मा टिमा टेरे टर टमाटर। अब है बच्चों से, तो से को कैसे बनाओगे? से भी सेम इसी तरीके से बनेगा, सीधे हाथ से आएंगे गोलाई के अंदर बनाएंगे। ठीक, से को अलिफ के साथ लिखेंगे तो से अलिफ सा, से को वाव के साथ लिखेंगे तो से वाव सो, है ना। से को अगर मीम के साथ लिखना होगा तो से के ऐसे करेंगे, देखो पहले ये बना से, फिर मीम बनाने के लिए ऐसे गोल कर देंगे। ठीक, एक मिनट में दोबारा दिखाती हूँ। ऐसे गोल करेंगे, गोल करने के बाद इसे मीम का मुंह बना देंगे, देखो ऐसे। ठीक, जैसे कि समर की स्पेलिंग, से मीम और रे समर। कैसे लिखोगे? पहले से के साथ मीम बनाओगे, फिर जैसे कि मैंने बताया था ऐसे गोलाई में होते हुए ऐसे आओगे, तो ये गोलाई हो गई इसकी, अब ऐसे आ जाओ, से मीम रे समर। समर किसे कहते हैं बच्चों? फल को कहते हैं। से मीम रे समर यानी कि फल। अब है बच्चों जीम की बारी, तो जीम को कैसे बनाते हैं अलिफ के साथ? पहले ऐसी छोटी सी आड़ी सी लाइन, फिर हल्का सा गोल, फिर ऐसे किया, समझ में आया? ऐसे, ठीक, फिर अलिफ ऐसे ऊपर चले जाओ अलिफ के लिए, जिम अलिफ जा, है ना, ते अलिफ ता जाता। ठीक, ऐसे ही जूता हो जाएगा, जिम वाव जू, ते अलिफ ता जूता। अब ऐसे ही जड़ हो जाएगा, जिम बनाओ, ऐसे गोलाई से आते हुए नीचे आ जाओ, जिम रे जड़। समझ में आया कैसे लिखोगे? देखो जिम, जिम के साथ ऐसे गोल हो गए, अब ये ऊपर से नीचे की साइड आ जाओ, जिमड़े जड़। अब जग कैसे लिखोगे उर्दू में? जिम गाफ जग। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? यहाँ पर मैं जिम भी बनाना भूल गई थी, तो देखो जिम तो बड़ा इजी है, पहले ऐसे किया, फिर ऐसे किया और इस तरीके से करा जिम। अब चे कैसे बनाओगे? चे बनाने के लिए भी ऐसे सेवन की तरह बनाकर इस तरीके से गोल कर दोगे और इसके पेट में तीन नुक्ते लगा दोगे। तो चे को देखो अगर हम अलिफ के साथ लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? चे अलिफ चा। ठीक, इस जगह से बनेगा, देखो चे अलिफ चा, हे अलिफ हा चाहा। अब जैसे चूहा लिखेंगे तो चे वाओ चू, हे अलिफ हा चूहा, है ना। चाक लिखेंगे तो चे अलिफ चा और आगे लिख देंगे काफ। देखो बच्चों चे के साथ अगर हम रे मिलाएंगे तो कैसे? पहले ऐसे गोल करेंगे, अब यहाँ पे एक नुक्ता लगा दो, ऐसे इसको ऊपर हल्का सा उठाते हुए नीचे आएंगे, देखो ऐसे इस तरीके से हल्का सा उठाते हुए। याद रखना चेरे चर लिखना आना बहुत ज़रूरी है, बहुत इस्तेमाल होता है हरफों में ये, जैसे कि चे और इसके साथ मिला दो हुड़े, तो क्या हो गया? चेड़े चढ़। याद रखोगे चेरे चर कैसे लिखोगे? इस तरीके से चेरे चर। अब इसी तरीके से बच्चों है बनेगा, देखो पहले ऐसे सेवन बनाया, सेवन बनाते हुए ऐसे गोल कर दो। हे को अलिफ के साथ कैसे लिखोगे? हे अलिफ हा, है ना। हे को वाव के साथ कैसे लिखोगे? हे वाव हो। याद रखोगे कि हे हमेशा ऐसे सेवन बनाकर गोल कर दिया जाता है, जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे हे अलिफ हा मीम दाल मिद हामिद। समझ में आया?
इसी तरह से बच्चों हल कैसे लिखोगे, देखो है बनाया, ऐसे ऊपर गए, ऊपर से नीचे आके लाम को इस तरीके से बना दिया, है लाम हल। अब है खे, तो खे को कैसे लिखते हैं, सेवन बना के इस तरीके से होल गोल कर दो, है ना, जैसे कि खे से खरबूजा। खरबूजा की स्पेलिंग कैसे होती है, देखो पहले लिखेंगे हम खे रे खर बे वाबू, फिर बनाएंगे जे, फिर बना देंगे हे। खरबूजा खे को अलिफ के साथ कैसे मिलाओगे, खे अलिफ का, खे वाव खू, खे को सिन के साथ कैसे मिलाओगे, खे सिन खस, है ना। अब बच्चों खे को रे के साथ कैसे लिखोगे, ये बहुत ज़रूरी है जानना। देखो पहले ऐसे यहाँ से गोल करेंगे, इस जगह नुक्ता लगा के ऐसे ऊपर हल्के से आते हुए नीचे आ जाएंगे, तो ये हो गया खैरे हर। इतनी बात समझ में आई। अब खे को अगर लाम के साथ मिलाओगे तो ऐसे ऊपर जाओगे, फिर इस तरीके से नीचे आके लाम को गोल कर दोगे। अब है बच्चों दाल। अब देखो दाल को सही बनाने का तरीका सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है। याद रखना कि दाल का जो मुंह होता है, देखो ऐसा कभी नहीं होता आगे से बिछा हुआ। दाल का मुंह आपने देखा होगा, जैसे ऐसे ग्रेटर देन का साइन होता है ना, ऐसा खुला हुआ होना चाहिए, देखो ऐसे और बीच से गोल। याद रखोगे इस तरीके से बनाना है, बीच से गोल बनाना है, हमेशा ऊपर से नीचे की साइड आएंगे। याद रखोगे कि दाल को लिखने के लिए ऊपर से नीचे की साइड और आगे से मुंह खुला हुआ होगा, इस तरीके से गोल नहीं होगा। अब है दाल से दवात। तो दवात की स्पेलिंग कैसे लिखोगे, दाल वाव अलिफ दे दवात। याद रहेगा दाल को बनाने का तरीका कि ऊपर से नीचे की साइड ऐसे मुंह खुला हुआ हो। अब है बच्चों दाल। तो दाल भी सेम ऐसे बनेगा, ऊपर से नीचे की साइड आओगे, मुंह खुला हुआ होगा, यहाँ पर छोटी सी तोइक वाली अलामत। तो डाल, डाल से डोल। तो डोल की स्पेलिंग क्या होगी, डाल वाओ डो और ये आ गया लाम, डोल। नेक्स्ट है बच्चों जाल। जाल से क्या होता है, जखीरा। तो जाल भी ऐसे बनेगी, ऐसे ऊपर से बनाते हुए ऐसे मुंह खोल देंगे, ये बन गई जाल। कैसे, इस तरीके से, ठीक। जाल से जखीरा। जखीरा कैसे लिखेंगे, जाल लिखा और फिर खे बनाकर खे के साथ इस तरीके से, देखो सॉरी पहले जाल बनाया फिर खे के साथ ये बना के रे बना दिया, है ना। जाल खे ये रे और ये हल्की वाली है ना, जखीरा, ठीक। याद रहेगा जखीरा जाल से, जाल खे ये खी रे हेरा जखीरा। अब बच्चों रे से रस्सी। तो रे को बनाने का तरीका क्या है, पहले ऐसे छोटा सा बिल्कुल सीधा अलिफ बनाओ, फिर यहाँ पर आगे एक नुक्ता लगाओ और इसको इससे मिला दो। याद रहेगा कि रे कैसे मिलती बनती है, ऊपर वाला हिस्सा बिल्कुल सीधा और नीचे वाला आड़ा, ऊपर वाला हिस्सा सीधा नीचे वाला बिल्कुल आड़ा। अब रे से रस्सी। रस्सी कैसे लिखोगे, रे बनाया सीन, है ना, रे सिन रस, सिन या सी रस्सी। यहाँ पर हम डाल देंगे तजदीद। तजदीद जिस हरूफ पर भी डलती है वो दो बार पढ़ा जाता है, तो तजदीद को मैंने सिन पर डाला तो क्या हो गया, रे सिन रस, सिन या सी रस्सी। अब देखो सरोता भी हो, सॉरी रे से रबड़ भी हो सकता है। देखो पहले मैंने रे बनाया फिर बे के साथ रे बना दिया, रे बे रे रबड़। कैसे, रे बनाया फिर ऐसे बे बनाकर रे बना दिया रबड़। अब बे और रे कैसे लिखेंगे, मैंने पहले भी सिखाया था, पहले हल्का सा गोल हिंट के लिए नुक्ता लगाओ, हल्का सा ऊपर से उठाते हुए नीचे आ जाओ, ये बन गया बेड़े, है ना। अब है रे खाली। अब बच्चों रे भी ऐसे ही बनेगा, पहले ऊपर से सीधा ऐसे आड़ा। याद रखोगे ऊपर से सीधा फिर नीचे से आड़ा। अब जैसे कि रबड़ की स्पेलिंग में रे आया है लास्ट में, तो ये सभी हरूफ लास्ट में आते हैं, तो रे बे रे रबड़, है ना। अब है जे। तो जे से होता है जंजीर, है ना, जंजीर। तो जे को कैसे लिखते हैं, पहले ऊपर से सीधा फिर ऐसे आड़ा, ठीक।
तो जंजीर की स्पेलिंग क्या होगी? जे बनाया, फिर देखो ये नून बना, नून के अंदर हमने जीम बनाया, जीम के अंदर ऐसा ये आ गया, ये इस जगह पर, तो नून का नुक्ता आ गया, नीचे आ गया जीम का नुक्ता, जे नून जन जीम ये रे जीर, जन जीर। अब बच्चों सीन से सेब, तो सीन कैसे बनेगा? पहले दो छोटे शोशे, फिर इस तरीके से गोल कर दिया। देखो स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, सीधे हाथ की साइड से, ऐसे दो छोटे शोशे और ऐसे गोल कर दिया, तो ये हो गया सीन। सीन से सेब, तो देखो दो शोशे आए हमारे सीन के, एक शोशा आया ये का और ये हो गया बे, तो ये के नीचे दो नुक्ते लगा दो, ठीक, टोटल मिला के तीन शोशे हो गए, दो सीन के और एक ये का सेब, है ना। अब इसी तरीके से सीन से सर होता भी हो सकता है, तो देखो ऐसे भी लिख सकते हैं हम, सीन के साथ रे को कैसे मिलाओगे, ऐसे देखो, ऐसे बड़ा करके लिख कर दिखाती हूँ, सीन है ना, ऐसे ऐसे यहाँ से यूँ आओगे, पहले इतना कर लो, फिर ऐसे ऊपर से नीचे, याद रहेगा, देखो बड़ा करके बताती हूँ, तीन हल, पहले दो शोशे, फिर आधा शोशा बनाया, फिर इसको ऊपर उठाते हुए नीचे आ गए, तो सीन रे वाओ सरो ते अलिफ्ता सरोता। अब है शीन, तो शीन भी एज इट इज बनेगा, पहले दो शोशे, फिर नीचे से गोल करोगे, तीन नुक्ते लगेंगे शीन के, तो शीन से क्या होता है, शलजम। तो पहले बनाए शीन के दो शोशे, ये बनाए इसमें लाम, ठीक, लाम के अंदर यहाँ बनाती हूँ, देखो शीन लाम शल जिम मीम जम, ठीक, याद रहेगी शलजम की स्पेलिंग, ये बने दो शीन के शोशे, ये बना इधर ऐसे करके ये लाम, है ना, फिर जिम मीम जम शलजम। अब ऐसे ही शक कैसे लिखेंगे, शीन बना के ऐसे आएंगे, ठीक, शीन काफ शक, देखो पहले ऐसे शीन को बनाया, फिर इसके अंदर ऐसे काफ को जोड़ेंगे, तीसरा शोशा बनाकर काफ जुड़ेगा, याद रखोगे कि दो शोशे बनाकर काफ को नहीं जोड़ना है, हमेशा जब हम शीन के साथ काफ या किसी भी हरूफ को जोड़ेंगे तो हमेशा तीन के, सॉरी शीन के तीन शोशे बनेंगे, इस तरीके से अगर आप दो शोशे जोड़ोगे तो ये गलत होगा। जब याद रखोगे कि जब कभी भी हम शीन को किसी दूसरे हरूफ के साथ मिलाते हैं तो क्या होता है, वो तीन शोशों के अंदर मिलकर जुड़ता है। अब बच्चों स्वाद और जुआद, अब देखो बच्चों स्वाद को किस तरीके से बनाते हैं, ऐसे ऐसे, याद रहेगा, देखो अगर जिन बच्चों को नहीं आता तो वो पहले इसको ऐसे बना लें और इस हिस्से को अलग बना दें, एक हाथ में अगर नहीं बनेगा आपसे तो आप क्या करोगे, चांद की तरह ऐसे गोल कर देना और इस तरीके से कर देना, अदरवाइज तो देखो डायरेक्ट ही ऐसे बनता है स्वाद, ठीक, याद रखोगे स्वाद ऐसे बनता है, जैसे कि साबुन की स्पेलिंग को लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, स्वाद, सॉरी स्वाद अलिफ सा बे नून बुन साबुन, याद रखोगे। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो स्वाद अलिफ सा को, और आप इसको अगर आपको इजी लगे तो आप इसे ऐसे भी बना सकते हो। इसी तरीके से है बच्चों जुआद, तो जुआद बनाने के लिए पहले इतना बनाएंगे फिर ऐसे गोल कर देंगे, ठीक। जुआद से क्या होता है, ज़ईफ़ होता है, तो पहले देखो ऐसे मैंने जुआद बनाया, जुआद में एन को जोड़ा, फिर एन के साथ ये, फिर बना फे, ठीक, जुआद एन ये फे ज़ईफ़। अब देखो अगर हम जुआद लाम जल लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, पहले जुआद बनाओ, ऊपर जाओ और फिर नीचे आ जाओ, जुआद लाम जल, याद रहेगा कि जुआद को हम इस तरीके से भी बना सकते हैं आसानी के लिए, और डायरेक्ट इस तरीके से आकर ऐसे भी बना सकते हैं। अब ये बच्चों तोए से तोता, तो तोए कैसे बनेगी, ऊपर से ऐसे आएंगे, फिर ऐसे वापस जाकर ऐसे नोक बना देंगे, याद रखोगे, ऊपर से ऐसे आएंगे, फिर नीचे से आधे में इस तरीके से आ जाएंगे, याद रखोगे कि ऐसे करके ऐसे नहीं उठाना हाथ, ऐसे ऊपर से नीचे, फिर वापस जाएंगे और ऐसे कर देंगे। अब जैसे कि तोता की स्पेलिंग कैसे लिखोगे, तोए वाओ तो तोए अलिफ ता तोता,
याद रहेगा तोए बाव तो, तोए अलिफ था तोता, ऐसे ही जोए बनेगा, ऊपर से नीचे फिर वापस जाओगे और फिर ऐसे लिख कर दोगे, नुक्ता लगा दोगे। जोए से क्या होता है बच्चों? ज़रूफ। तो जोए के साथ रे को कैसे मिलाओगे? देखो ऐसे करके ऐसे आ जाओगे, याद रखोगे। देखो पहले ये नीचे का हिस्सा गोल करना होता है, फिर ऊपर उठाकर नीचे आ जाओ। जोए रे वाओ फे ज़रूफ। अब बच्चों एन बनाना तो बिल्कुल आसान है। देखो पहले ऐसे छोटा सा आधा गोल, फिर इसको ऐसे कर दो, याद रखोगे। यहाँ पर इसकी इस जगह पर नुक्ता लगा दो और इस नुक्ते की तरफ हाथ को ले जाओ, तो बन गया एन। तो एन से क्या होता है बच्चों? एन से ऐनक, है ना। एन ये ए नून काफ नक, ऐनक, है ना। एन को लाम में मिलाओगे तो इस तरीके से मिला लोगे, याद रहेगा। जैसे हम लिखेंगे किसी की उम्र, एन एन के साथ मिलाओ इस तरीके से मीम, और मीम के साथ रे, याद रखोगे। एन बनाया, ऐसे मीम बनाया और रे बना दिया, उमर, है ना। अब है बच्चों गैन। तो गैन भी ऐसे बनेगा, ऐसे किया और इस तरीके से कर दिया। गैन से हुलेल। तो पहले बनाएंगे गैन, गैन में लाम, फिर ये के साथ बनाएंगे लाम। तो गैन पेश हो लाम ये लाम हो लेल, याद रहेगा। अब है बच्चों फे। तो फे को कैसे बनाओगे? ऐसे किया, ऐसे करके ऐसे गोलाई में आ गए, यानी कि ये भी सीधे हाथ की साइड से बनेगा, इस तरीके से, याद रखोगे। फवारा होता है फे से, तो कैसे लिखोगे? फे वाव अलिफ वा फवा रे हे रा फवारा, वाव के ऊपर लगेगी तशदीद, क्योंकि जिस चीज़ पर भी तशदीद लगी होती है वो दो बार पढ़ी जाती है। तो फे को वाव के साथ पढ़ेंगे और फिर वाव को अलिफ के साथ भी पढ़ेंगे, यानी कि वाव दो बार पढ़ा जाएगा, फे के साथ भी और अलिफ के साथ भी। जैसे कि फे वाव फो वाव अलिफ वा फो वा रे हे रा फवारा। अब है बच्चों बड़ा वाला काफ, इसकी आवाज़ निकलती है हलक से, काफ। तो ये भी इस तरीके से बनेगा, बिल्कुल ईजी है बनाना, ठीक। कैसे? पहले ऐसे किया फिर ऐसे किया, यानी कि ये भी हमेशा सीधे हाथ की साइड से बनेगा। तो काफ से क्या होता है? अलम। तो बड़ा काफ बनाकर लाम के साथ मीम को इस तरीके से जोड़ोगे, याद रखोगे। बड़ा काफ बनाया, लाम को मीम के साथ इस तरीके से जोड़ोगे, कलम, ठीक। अब काफ को रे के साथ कैसे करोगे? ऐसे, है ना, काफ रे कर। ये सिर्फ ना काफ रे कर भी लिख सकते हैं, है ना। देखो ऐसे किया और ऐसे किया, ये चीज़ सभी बच्चों को आनी बहुत ज़रूरी है कि काफ के साथ रे को या किसी भी हरूफ को रे के साथ किस तरीके से जोड़ा जाता है। अब है बच्चों छोटा काफ। तो छोटे काफ को इस तरीके से लिखेंगे, यानी कि जैसे हम बे बनाते हैं ऐसे गोलाई में आएंगे और यहाँ पर ऐसी एक लाइन लगा देंगे, छोटा काफ, याद रहेगा। ये क्या है? छोटा काफ, जैसे कि कुर्सी। तो काफ रे कुर सिन यासी कुर्सी। देखो पहले काफ रे कर को लिखना सीखो। तो पहले कैसे करेंगे? देखो ऐसे किया हल्का सा गोल, फिर इसके साथ रे को मिला दो, काफ रे कुर सिन के साथ तीन शोशे बनते हैं जब कभी भी किसी भी हरूफ में मिलाते हैं, तो मैंने यहाँ पर तीन ही बनाए हैं, काफ रे कुर सिन यासी कुर्सी, याद रखोगे बच्चों। अगर देखो मैं ऐसे दो शोशे बनाती तो वो दिखते नहीं, इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि जब कभी भी सीन को किसी भी हरूफ के साथ मिलाते हैं तो सीन के तीन शोशे बनते हैं। देखो एक दो तीन, और तीसरे वाले में से हमने ये को बना दिया। तो कुर्सी की स्पेलिंग क्या हो गई? काफ रे कुर सिन यासी कुर्सी। अब है बच्चों गाफ। तो गाफ भी बिल्कुल काफ की तरह है, ऐसे यहाँ पर दो लाइनें आएंगी और नीचे से ऐसा गोल होगा और सीधे हाथ की साइड से लिखा जाएगा इस तरीके से। अगर देखो ऐसे लिखोगे तो ये हमेशा गलत उर्दू लिखने का तरीका है, उर्दू हमेशा सीधे हाथ की साइड से लिखी जाती है। तो गाफ से क्या होता है? गन्ना। तो गाफ नून अलिफ ना गन्ना, नून पर आ गई तजदीद, यानी कि गाफ नून गन नून अलिफ ना गन्ना। अब गाफ को अगर हम बच्चों लाम के साथ मिलाएंगे तो कैसे मिलाएंगे? पहले ऐसे किया, ऊपर गए नीचे आए
और फिर यहाँ पर दो लाइनें लगा दी। ठीक, देखो गाफ को पहले गोल बनाया, ऊपर गए, नीचे आए, दो लाइनें लगा दी। अब है बच्चों लाम, तो लाम भी ऊपर से नीचे की साइड आकर गोल होता है, याद रखोगे ऊपर से नीचे बनेगा, ना कि इस तरीके से, ये तरीका गलत है। हमेशा लाम ऊपर से नीचे की साइड बनेगा, तो लाम से लट्टू, तो लाम बनाया, टे वाव टू लट्टू, टे पर लगा दी हमने तशदीद, यानी कि लाम टे लट टे वाव टू लट्टू। अब देखो जैसे हम लिखेंगे लाम गाफ लग, समझ में आया कि मैंने ऊपर से नीचे की साइड आई, फिर इस तरीके से किया, ये बन गया लाम गाफ लग। अब बच्चों मीम बनाने का तरीका सीखते हैं। तो देखो मीम कैसे बनता है, पहले ऐसे किया फिर नीचे आ गए, यानी कि ये भी ऊपर से नीचे की साइड बना। और एक तरीके से मीम ऐसे भी बनता है, ठीक, और एक मीम ऐसे भी बनता है, याद रहेगा। जैसे कि हम लिखेंगे मीम से मोर, तो मीम वाव मो रे मोर, मग लिखेंगे तो मीम गाफ मग, है ना। तुम लिखेंगे तो ते के साथ मीम बनाओगे, तो पहले ऐसे किया फिर ऐसे नीचे आ गए, याद रखोगे ऐसे किया फिर यूं नीचे आ गए, ते मीम तुम। जम कैसे लिखेंगे, जे ऐसे किया फिर नीचे आ गए, है ना, जम। जल कैसे लिखेंगे, जे मीम जे लाम जल। अब है बच्चों नून, तो नून भी बिल्कुल इजी है, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे, यानी कि सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ नून बनता है, ना कि ऐसा उल्टा बनता है, ये गलत तरीका है। हमेशा नून को इस तरीके से बनाओगे, ठीक बच्चों, जैसे कि नून नून लाम नल, नून गाफ नग। अब देखो नल बनाने के लिए पहले मैंने नून बना के ऊपर गई, नीचे आई और फिर लाम को इस तरीके से गोल कर दिया। अब है बच्चों वाव, तो वाव कैसे बनता है, ऐसे ऊपर से नीचे की साइड, ऐसे ऊपर से नीचे की साइड, ना कि इस तरीके से बनता है, ये गलत है तरीका। हमेशा इस तरीके से हाथ को चलाना, ऊपर से नीचे की साइड, जैसे कि बे के साथ वाव को मिलाओगे तो बे वाव बू, है ना। वाव के साथ हम ऐसे अलिफ को भी मिला सकते हैं, तो वाव से क्या होता है, वर्क होता है, तो हम लिखेंगे वाव रे बड़ा काफ वर्क, है ना। अब है तो है से हाथ। अब देखो जो ये वाला जो है होता है ना, इसकी आवाज़ हमेशा भारी आती है। अब इस वाले है कि ये छोटा है कहलाता है, और इसकी आवाज़ हमेशा सॉफ्ट आती है, यानी कि है। जैसे कि है से हाथ कैसे लिखोगे, है अलिफ हा, देखो है की अलामत कैसे बनेगी, इस तरीके से ऐसे, और यहाँ पर दो चश्मी है के साथ, है ना, दो नुक्ते लगा दोगे तो ये कहलाएगा थे, याद रखोगे ये क्या कहलाएगा, थे। जब दो चश्मी है पर दो नुक्ते लगते हैं तो वो क्या कहलाता है, थे कहलाता है, यानी कि ते और दो चश्मी है मिलकर क्या बनता है, थे बनता है। अब है बच्चों हमज़ा, अब हमज़ा का यूज़ बड़ा इम्पॉर्टेंट है उर्दू के अंदर, हमेशा ध्यान रखना कि हमज़ा के अंदर से अलिफ की भी आवाज़ आती है, और इसके अलावा जितने भी वोवल्स हैं, यानी कि ए ई आई ओ और यू की अगर हमें आवाज़ निकालनी हो, तो उस जगह पर हम क्या लिखते हैं, हमज़ा को लिखते हैं। जैसे कि साइकिल की स्पेलिंग, सिन अलिफ सा, हमज़ा बनाकर ये बनाएंगे, फिर काफ लाम किल, ये बन गए यहाँ पर हमज़ा। हमज़ा की अलामत ऐसे होती है, याद रखोगे मत की तरह, यहाँ पर दो नुक्ते आ गए, साइकिल, याद रखोगे कि हमज़ा में किस किस चीज़ की आवाज़ आती है, ए ई आई ओ यू, जैसे कि यहाँ पर आई ई की आवाज़, जैसे मैंने लिखा सिन अलिफ सा हमज़ा छोटी ये काफ लाम साइकिल। अब जैसे कि हम लिखेंगे उर्दू में आइए, तो अलिफ मद आ और बड़ा ये, बड़े ये पर लगा देंगे हमज़ा की अलामत, ये हो जाएगा आइए। ऐसे ही लाइए कैसे लिखेंगे, लाम अलिफ ला, बड़ा ये के ऊपर हमज़ा की अलामत लगाएंगे, तो ये हो जाएगा लाइए। ऐसे हम लिखेंगे चाहिए, तो चे अलिफ चा, है ये बड़ा ये चाहिए, और यहाँ पर लग जाएगा हमज़ा चाहिए। अब जैसे कि हम लिखेंगे
अब देखो बच्चों, हमजा की अलामत को इस तरीके से पढ़ा जाता है, यानी कि हमजा में बड़ी ई की भी आवाज़ आती है, जैसे कि अलिफ मद अ, वाव हमजा, आओ, लाओ, जाओ, गाओ, आई, लाई, टाई, नाई, आए, लाए, खाए, खाइए, खाइए, गए, है ना। देखो बच्चों, हमजा के अंदर हमेशा याद रखोगे कि इसकी अलामत को ऐसे भी बना देते हैं और इस तरीके से भी बना देते हैं, मत की तरीके से। यहाँ पर बुक के अंदर हमजा की अलामत को ऐसे बनाया गया है, याद रखोगे। मैं यहाँ पर भी बता दूँगी, हमजा की अलामत कहीं कहीं पर ऐसे भी बनी होती है और हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे कि मैंने साइकिल की स्पेलिंग में आपको बना कर दिखाया था। अब है बच्चों दो चश्मी है, तो दो चश्मी है के लिए पहले एक ऐसी आड़ी लाइन, आड़ी लाइन की जो नोक है, नोक से ऊपर जाकर ऐसे किया, समझ में आया। आड़ी लाइन की नोक से ऊपर आके ऐसे आए, फिर यहाँ से ऐसे गए और बीच में से वापस आ गए। याद रखोगे कि आड़ी लाइन बनाई, इस तरीके से बनाया दिल की तरह, और फिर इस दिल को इस तरीके से लेकर आ गए। यह होती है दो चश्मी है। क्या होती है ये? दो चश्मी है होती है। और बच्चों ये सभी हैं दो चश्मी है के इस्तेमाल। अगर देखो दो चश्मी है के साथ ऐसे नुक्ता लगा हो तो वो कहलाएगा भासे भालू। ये क्या पढ़ा जाएगा? फासे फल। ऐसे ही ये होगा थासे थर्मस। ऐसे ही ठासे ठटेरा, झासे झंडा, छासे छतरी, धासे धनुष। ये हो गया रे, है ना, ये हमारा रे। ये हो गया ढे, है ना, रे ढे, ऐसे ढे। ये हो गया खा उर्दू के अंदर, ये हो गया उर्दू में घा, ये हो गया उर्दू में ला। अभी आप इसे रहने दें, ला लहा हो गया, है ना, ये पहले इतना सीख लें, जैसे कि भे अलिफ बा। अब देखो बच्चों उर्दू के अंदर भे अलिफ बा लिखना हो तो कैसे लिखोगे? भे अलिफ बा लाम वाउलू भालू। उर्दू में फल कैसे लिखोगे? ऐसे दो चश्मी है के नीचे तीन नुक्ते लगा दोगे, फे लाम फल। ऐसे ही थल, थे लाम थल, ठेला, है ना, ठे ये ठे, लाम अलिफ ला ठेला। ऐसे ही झंडा कैसे लिखोगे उर्दू में? पहले बनाओगे जे नून डे अलिफ डा झंडा। छतरी कैसे लिखोगे? बनाओगे ऐसे छे, फिर बनाओगे ते के साथ रे, रे या री छतरी। तो बच्चों ये वाली जो वीडियो है दो चश्मी है की, ये मैं अलग से बनाऊंगी, यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको वक्ती तौर पर बता दिया है। अब है बच्चों छोटी वाली, ये छोटी वाली ये, तो इसे कैसे बनाते हैं? इस तरीके से बनाते हैं छोटी वाली ये को, और हमेशा इसमें कौन सी आवाज़ आती है? ई की आवाज़। याद रखोगे कि छोटी वाली ये के अंदर ई की आवाज़ आएगी और बड़ी वाली ये के अंदर आएगी ए की आवाज़। समझ में आया? देखो जैसे कि हम लिखेंगे पैसे, तो पैसे में पे के बाद कौन सी आवाज़ आई है? ए की आवाज़ आई है, तो इसका मतलब उसमें क्या आएगी? बड़ी वाली ये, जैसे कि पे ये पे, सिन ये से पैसे, है ना। अब जैसे कि हम पीतल की स्पेलिंग लिखेंगे तो पे के साथ छोटी वाली ये को लिखा जाएगा पे ये पी ते लाम तल पीतल। बच्चों लिखने का जो तरीका है वो तो सेम है, मगर अगर एग्ज़ाम में कहा जाए कि इस स्पेलिंग को भी खोल कर लिखो और इस स्पेलिंग को भी खोल कर लिखो, तो तब आप क्या देखोगे कि जहाँ पर छोटी वाली ई की आवाज़ आई है तो वहाँ पर छोटी ये को लिखोगे, जैसे कि पे ये, है ना, ते लाम पीतल। अब यहाँ पर पैसे की स्पेलिंग खोल कर कैसे लिखोगे? पे के साथ बड़े वाला ये, फिर सीन, फिर बड़ा ये। यानी कि बच्चों कहने का तरीका ये है कि दोनों तो बनते एक जैसे हैं मगर आवाज़ें अलग अलग होती हैं। जब एग्ज़ाम में कहा जाता है कि आप पीतल की स्पेलिंग को खोल कर लिखो तो जहाँ पर ए की आवाज़ आएगी उस जगह पर छोटी वाली ये लिख देना, और जिस जगह पर ए की आवाज़ आएगी उस जगह पर आप बड़ी वाली ये को लिख देना। बड़ी वाली ये भी समझ बता दूँ कि कैसे बनेगी।
इस तरीके से बनेगी और छोटी वाली ये ऐसे बनेगी। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो सभी क्लासेस के बच्चों के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगी। आप ज़रूर एक बार वीडियो को पूरा देखना, प्रैक्टिस करना हैंड टू हैंड, तो इंशाल्लाह आपको उर्दू बहुत अच्छे तरीके से लिखनी और पढ़नी समझ में आ जाएगी। अब उर्दू लिखने और पढ़ने की मैं आगे की और भी वीडियोज़ अपलोड करूँगी।